का पहला जो बताए थे, एक डीसीएम मुस्लिम को बनाना है और एक 23 सीट देना करके बताए थे, 15 सीट मिले, उसमें 9 MLA जीत के आ गए। और उसके साथ साथ 67 जगह पे 67 to 72 MLA सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट में जीत के आ गए कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस हमें दिए है, कांग्रेस को बहुत कुछ है, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए, लेने का मौका है। इसलिए हमने एक डीसीएम बनाना है और 5 मिनिस्ट्री भी होना चाहिए, वो मिनिस्ट्री भी अच्छा एक पोर्टफोलियो मिलना, जैसा कि एक होम और रेवेन्यू एजुकेशन वैसा पोर्टफोलियो देके मुसलमानों को शुक्र अदा करने का भी कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा एक जिम्मेदार बनते, वो जिम्मेदार को रिमेंड करने को एक इमरजेंसी मीटिंग हमारा सुन्नी उलमा बोर्ड, अभी सुन्नी उलमा बोर्ड का ऑफिस में बुलाए गए, इसमें दीगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का दीगर हमारा लीडर्स भी इसमें शिरकत की। सर अभी जो 9 MLA जो सिलेक्ट हुए, स्पेसिफिकली कुछ नाम सिलेक्ट करने वाले, डिसाइड देने वाले आप कुछ लोग, लाइक एनी रैंडम? वो तो कांग्रेस पार्टी ने वो डिसाइड करेंगे कौन अच्छा है, कौन अच्छा काम कर चुके हैं। एक एक MLA उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के पूरा रियासत में दौरा करके मुसलमानों को इत्तेफाक करके हिंदू मुसलमानों का भाईचारा का पैगाम देके हर एक जगह में भी कैनवास करको है। इसलिए ये गवर्नमेंट आने का बहुत बड़ा एक रोल भी अदा किए, उनको चुन के एक मुसलमान को एक डीसीएम बनाना वो कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार है। कंफर्म आपको लगता है होगा सर? होना चाहिए, होना ही हमारा डिमांड है। वो पहला इलेक्शन का पहला बताए थे एक डीसीएम। देखो हमें सीएम पूछना है, अब तक कर्नाटक का सियासी तारीख में एक मुसलमान भी सीएम नहीं बन चुके हैं। अभी तो हमें सीएम का डिमांड अभी नहीं रख रहे, मैं डीसीएम का क्या डिमांड रख रहे हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, हमें सीएम को पूछना है, क्योंकि कर्नाटक का 6.5 करोड़ में हमें तो 90 लाख है, सेकेंड हाइएस्ट कम्युनिटी हमारा है मुसलमान, SC ST को छोड़े तो। इसलिए हमारा लोगों को सीट ही होना था, हमारा 35 सीट होना था, हमारा फिलसत का इसमें वो नहीं मिले। कम से कम SM कृष्णा का पीरियड में 5 मिनिस्टर्स थे, वैसा एक 5 मिनिस्टर अच्छा पोर्टफोलियो होना ही, और DCM भी सख्त जरूरी है, हमारा डिमांड और मुतालबा भी। थैंक यू सर।